वास्तविकता यह है कि 1949 में मूर्तियां प्रकट होने से लेके अनवरत कांग्रेस और आज के जो तथाकथित सेकुलर दल हैं वो सदा सर्वदा से राम जन्मभूमि के मार्ग में जितने अवरोध उत्पन्न कर सकते थे सब करने का प्रयास किया, नैतिक दृष्टि से भी किया, राजनैतिक दृष्टि से भी किया, सामाजिक दृष्टि से भी किया, संवैधानिक दृष्टि से भी किया, विधिक यानी कानूनी दृष्टि से भी किया। तो कोई बात नहीं, अब बेहतर ये होता कि वो इस समय इन सारी बातों को भूल कर इस अवसर का एक उपयोग करते, परंतु दुख की बात यह है कि हर ऐतिहासिक अवसर में राजनीति देखने की जो दुखद दृष्टि, मैं दुखद दृष्टि कह रहा हूं, कांग्रेस और इन विपक्षी दलों को मिल गई है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, भारत की पहली अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू जी, क्या आवश्यकता थी उनके अभिभाषण का बहिष्कार करने की? कुछ आपको हासिल भी नहीं होने वाला था उससे, ऐसा कोई बहुमत भी नहीं था कि आप भाषण का बहिष्कार करके अभिभाषण में कोई बदलाव कर लेंगे, वो किया। भारत की संसद कोई ऐसा तो नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल है, अभी आने वाले 150 वर्षों तक चलेगी, उसका आप हिस्सा बनने से रह गए। फिर आप देखिए इतने बड़े कानून में बदलाव हुआ, आईपीसी की धारा बदली 1860 और 1870 की अंग्रेजों के जमाने की, उसके आप हिस्सा बनने से रह गए। और अब तो 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, अरे भाई इसमें तो अपना पराया देखना ही नहीं चाहिए था भाई। इसमें भाजपा तो छोड़िए, भगवान के द्वार पर जब व्यक्ति जाता है तो अहंकार शून्य होके जाता है, अपना सब कुछ अर्पण करके जाता है, पर वहां भी यह अहंकार का भाव था या भेद का भाव था कि यह मेरा कार्यक्रम है, कि इसमें मेरी महत्ता दिख रही है कि दूसरे की महत्ता दिख रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके लिए कहना चाहता हूं, एक तुलसी बाबा की चौपाई है, तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज, यानी अगर उलट के भी बीज गलती से खेत में गिर जाता तो भी उसमें से पौधा निकल आता है। उसी प्रकार राम को रीझ के भज लीजिए तो भी आपको लाभ होगा, और खींच के भज लीजिए तो भी लाभ होगा। हम तो रीझ के भज रहे हैं पिछले कई तीन पीढ़ियों से, आप खींच के भी भज लेते शायद आपका कुछ लाभ और कल्याण हो जाता। मैं उत्तर दे दूं छोटे में? बिल्कुल बिल्कुल चरण सिंह जी, सापरा साहब बिल्कुल। देखिए जिस तरह से इन्होंने विश्लेषण किया है और इन्होंने बातें रखी हैं, मुझे लगता है ये भूल गए कि पुरी के शंकराचार्य ने भी कहा है कि वहां पर नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और मैं क्या तालियां बजाऊंगा। तो यही बात जो ये कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं वो आदरणीय शंकराचार्य जी के लिए भी लागू होती है। और फिर हम तो यही कह रहे हैं ना कि हम आम जनता के साथ में जाकर के दर्शन करेंगे ना, आप अपना वीआईपी कल्चर और आपका वीआईपी कार्यक्रम कर लीजिए। जो बीजेपी प्रायोजित या आरएसएस प्रायोजित कार्यक्रम है, निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, और अगर आप देश को ऐसा दर्शाना चाहते हैं कि ये बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम है और बीजेपी के कारण हो रहा है, तो ठीक है आप अपने मार्ग पर चलिए, हम आम जनता के साथ में जाकर के रामलला के दर्शन करेंगे, उसमें कोई बुराई तो है नहीं। कोई बुराई है तो बताइए, बुराई है सुधांशु जी? मैं साफ कर दूं, महाराष्ट्र के फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं, शिंदे बचेंगे या नपेंगे, उससे पहले थोड़ा अवसर है तो सुधांशु जी और चरण सिंह सापरा साहब आमने सामने इस मुद्दे पर। सुधांशु जी देखिए, सापरा साहब पहले तो आपने कहा शंकराचार्य जी से तुलना कर दी, आपने कह दिया कि शंकराचार्य जी का मन में यदि कोई विचार है तो इक्वलेंट टू सोनिया गांधी जी। दूसरी मैं आपने पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी का पूरा बयान नहीं सुना, उन्होंने क्या कहा? मैं मोदी जी की इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि वो सनातनी हिंदू तो हैं, वो कम से कम वहां पर जाकर मंदिर के उद्घाटन के लिए कार्य तो कर रहे हैं, अगर वो सेकुलर होते तो अयोध्या जाने से बचते, इस बात के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। बाकी उन्होंने कुछ शास्त्रीय विधान की बात कही तो मानी बात है, उस बात के ना हम जानकार हैं ना आप जानकार हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र का फैसला आने वाला है तो कानूनी मामलों के जो हम है ना आप हैं तो वो कानूनी मांगों के जानकार। मैं रोकूंगा सुधांशु जी, राहुल नार्वेकर चेयर पर बैठ गए हैं,